राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में कल जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ उनकी बैठक हुई। उस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और अन्य प्रमुख नेतागण उस बैठक में उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की विस्तृत तैयारियों पर चर्चा हुई और विशेष रूप से जब सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चल रहा है तो यह पार्टी ने तय किया कि हर बूथ पे जाकर के कश्मीर के भी बूथ पे जाकर के सदस्यता का काम किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाया जाए, जो चुनाव में आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिक सदस्य रहेंगे तो अवश्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का उसका लाभ मिलेगा। सदस्यता अभियान बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ तक कि जब हम कल जब कोर ग्रुप के सदस्यों ने जो रिपोर्टिंग की तो उसमें करना जो जम्मू जो कश्मीर का सबसे किनारे का नंबर एक क्रमांक विधानसभा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 6034 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। हर मंडल पे, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कश्मीर में भी करने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कसी है और सदस्यता कर रहे हैं। पार्टी ने यह भी तय किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने कि जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा के चुनाव के प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना होंगे, उनकी घोषणा अभी अभी हुई है। श्री अविनाश राय खन्ना जम्मू कश्मीर के विधानसभा के वह प्रभारी होंगे। कोर ग्रुप में यह भी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जो कर भी रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ जो संघर्ष है उसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी जीरो टॉलरेंस रहेगी, कोई उसमें समझौता नहीं होगा और कड़ाई से आतंकवाद के खिलाफ वहाँ से वहाँ कानून कार्रवाई कर रहा है। उस पर सभी कोर ग्रुप के सदस्यों ने जो जम्मू कश्मीर से आए थे सब लोगों ने हर्ष व्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी उन्होंने दिया। यह कल लंबी कोर ग्रुप की बैठक चली, उसमें सभी बूथ में हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती किस प्रकार से और हो, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय जो है उन्होंने उस पर संतोष व्यक्त किया और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से विशेष रूप से कश्मीर में भी जिस प्रकार से विकास के कार्य वहाँ पे हो रहे हैं और उन विकास के कार्यों के लिए केंद्र सरकार की और प्रदेश में जो अपना प्रेसिडेंट रूल है उन सरकारों के काम के लिए भी कोर ग्रुप के सदस्यों ने जो जम्मू कश्मीर से आए थे उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए भी अभिनंदन दिया। हम पूरी चुनाव की आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी कोर कमेटी के सदस्य तैयारी कर रहे हैं और जब भी चुनाव होगा वह चुनाव में भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। देखिए जो 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 कल कोर जो जो कल कोर कमेटी के अंतर्गत बैठक हुआ उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव के लिए प्रभारी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त कर दिया है अविनाश राय खन्ना जी को और इसलिए जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार होगी और अधिक से अधिक सदस्यता करके बूथ को अधिक मजबूती करके हर मंडल पे विस्तारकों को काम में लगा करके पार्टी के संगठन को मजबूत करके चुनाव में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेगी।